ड्रेस है, इसकी लुक कुछ इस तरीके की है। गाइस इसकी आवाज आप चेक करें कैसे गधे जैसी हो रही है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक ठाक है। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरा कि मैंने दो दिन वीडियोस क्यों नहीं डाले। तो बस सिर्फ यही मसला था कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली। मुझे नहीं पता, नहीं मालूम कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, एक फटे हुए ढोल की तरह, या चाहे जैसी भी आ रही हो भाई मैनेज कर लीजिएगा। तो आज मैं बताऊँगी जो मैंने अभी ईद पर अपने लॉन्ग के ड्रेस बनाए थे, जो कि मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं करे, और ये आ गई है घुसती भी इधर। जा, तुम भी बैठोगी। तो जो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं की, तो मैं करने जा रही। तो अब मैं वो ड्रेस जो है जो मेरे स्टिच हो गए तकरीबन ज़्यादातर सारे, मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो दिखा रही हूँ ड्रेस, वो मेरा सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो जी ये है मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस। इसका ट्राउज़र जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर पूरी फुल एम्ब्रॉयड्री हुई भी है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसको हम रखते हैं साइड में। और दूसरे नंबर पे जो मेरा सबसे फेवरेट, सबसे नहीं सबसे फेवरेट हो गया जो दूसरे नंबर पर है, वो है ये वाला ड्रेस। तो इसकी नेक लाइन कुछ इस तरीके की है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है। इसकी स्लीव्स नेट की हैं और कुछ इस तरह से इसमें बीड्स लगे हैं और सेंटर में इसके जो है ये क्या बोलेंगे इसको, कटवर्क टाइप का जो है ना, वो कटवर्क ही हुआ है बस, जो भी समझ लें। इस पर ये इसका दामन है। तो ये मेरा बहुत प्यारा ड्रेस है। ये भी ये इसके साथ का दुपट्टा है जो शेफून जॉर्जेट पे है। और ये इसका जो है वो ट्राउज़र है, इसके ट्राउज़र के जो बॉटम है उनके ऊपर भी ये कड़ एम्ब्रॉयड्री का भी जो है ना वो पट्टी लगी हुई है। चलो भाई कटो। अब थर्ड नंबर पे जो है वो है ये वाला। ये बहुत ही पुराना प्रिंट है, ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, फिर भी मैंने इसको क्यों लिया, इसको मैंने इसलिए लिया, ये मैंने रेडीमेड लिया। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ थी ये ट्यूलिप शलवार। ऐसा लग रहा मैं नहीं बोल रही, कोई और ही बोल रहे हैं आके। इसकी ये है ट्यूलिप शलवार और इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, एम्ब्रॉयड्री हुआ हुआ। सिर्फ मैंने दुपट्टे और ट्राउज़र की वजह से जो है ना वो इसको लिया, वरना ये बहुत हो चुका है। तो अब आ गया है तीसरा ड्रेस। ये जो है ऐसे भाग जाओ। और ये कौन से नंबर का है, हाँ फोर्थ नंबर का ड्रेस है। इस पर चिकनकारी हुई है, इस पर पूरी शर्ट पे जो आगे जो है वो चिकनकारी हो रखी है और इसकी बैक कुछ ऐसे प्रिंट में है। ये है, ये इसका ट्राउज़र है जिसके नीचे मैंने ये पट्टी लगाई, ये धागा चिपका हुआ है जो मैं निकाल लेती हूँ। ये भी चिकनकारी की पट्टी लगी हुई है और ये इसका शेफून जॉर्जेट का दुपट्टा। ओके ये हो गया भाई। जैसे ही बन रही है वीडियो बस ऐसे ही आती है मुझे बनाना। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं इस पे। इस पे भी जो है वो एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है। यस
इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसका ट्राउज़र इस कलर का है, इसका दुपट्टा भी शिफॉन जॉर्जेट का है। और मैं से एक भी नहीं पहना है, जो मैं बस सिर्फ ये पहन के बैठी हूँ ये पहना है। और एक आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैंने 2-3 दिन पहले पहना था जब मैं हिंजा की फिट लेने गई थी, एक मैंने जब पहना है, बाकी मैंने इन लॉन की ड्रेसों में से कोई भी ड्रेस नहीं पहना। अच्छा जी, फिर आ जाती है इनकी बारी। ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर, और इसकी बैक मुझे बहुत पसंद है यार। ये पीकॉक स्टाइल के अंदर, इसका मतलब मोर की तरह से इसकी बैक है, और इसकी स्लीव्स जो है वो इस तरह सिंपल है, लेकिन उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इसका ट्राउज़र है, इसके ऊपर प्लेटिंग हुई हुई है, इस पर मैंने प्लेटें डाली हैं। और इसका दुपट्टा नहीं था, ये 2-पीस था, तो ये मेरा पुराना दुपट्टा है जो मैं इसके साथ लगा सकती हूँ। ये रहा, और इसके साथ ये वाला दुपट्टा भी जाएगा, इसके साथ ये दुपट्टा भी जा सकता है, और इसके साथ ये दुपट्टा भी जा सकता है, क्योंकि इसकी बैक कुछ इस तरह की है, तो ये दुपट्टा इस पर आराम से जाएगा। तो ये था मेरा 2-पीस ड्रेस। फिर आ जाता है हमारा छठा या सातवां, ये पता नहीं कौन से नंबर का ड्रेस है, मैं भूल गई हूँ। इसके ऊपर मैंने ये वाली लेस लगाई है, और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, डोरी पाइपिंग तकरीबन सब में ही लगी हुई है। और इस सूट के साथ मेरे साथ एक ही मसला हुआ कि मैंने उल्टे दुपट्टे के ऊपर लेस लगा ली। खैर हो गई, चलेगा। तो ये इसका लॉन दुपट्टा ही है, और ये इसका ट्राउज़र है, जिसकी मैंने सेंटर में जो है ना इसी की पट्टी लगाई। तो ये हो गया भैया। फिर आ जाते हैं हम इसके ऊपर। ये आ गया है हमारा एक और ड्रेस, ये इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसकी मैंने जो डोरी पाइपिंग है ना वो इस तरह शाइनिंग में लगाई है, जो इसका ये लाइट वाला कलर आ रहा है ना इसके साथ मैचिंग करके मैंने ये शाइनिंग में लगाई है। इसका भी ट्राउज़र पे मैंने पाइचों पे ये पट्टी दी है, और इसका दुपट्टा भी लॉन का है। तो ये हो गए भैया हमारे सारे ड्रेस। और ये वीडियो, क्योंकि यार मेरा गला बिल्कुल सेट नहीं है, फिर भी मैंने ये वीडियो जो है बना ली है जैसे तैसे भी करके। तो मैं इनमें से कुछ ड्रेस जो है पहनूंगी, कुछ नहीं पहन पाए तो अभी बकरीद करीब आ रही है, और गर्मी भी उसमें बड़ी ठीक ठाक होने वाली है। पता नहीं आओगे कराची होंगे अल्लाह जाने। तो हम ये जब ड्रेस जो है पहन लेंगे भाई मज़े से, तो ये थी। और आगे भी मेरे कुछ ना कुछ जो बनते रहेंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मेरे 3 ड्रेस ऐसे हैं लॉन के जो कि वो स्टिच ही नहीं हुए, और एक और है जो लॉन का नहीं। ये 4 ड्रेस मेरे स्टिच बिल्कुल नहीं हुए, वो मैं आराम आराम से करूँगी स्टिच। मुश्किलों से ये वीडियो बनाई है, बार बार मैंने इसको रोका है क्योंकि मेरे गले में हो रही थी तकलीफ, पानी का घूंट उतार उतार के मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाई यार। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, एक ड्रेस मेरा ये भी है, ये भी 2-पीस था, ये दुपट्टा मेरे पास घर में पड़ा था, डार्क हो रहा है, मैं इसके साथ ऑफ वाइट भी लगा सकती थी लेकिन डार्क हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। साथ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।